पुरस्कार एवं सम्मानित किया गया है। और हिंदी पत्रकारिता से रहा है, अनेक अभिनंदन ग्रंथों और स्मारिकाओं का आपने संपादन किया। आप अनेक साहित्यिक संस्थाओं से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। हिंदी भाषा साहित्य आदि प्रेमचंद पुरस्कार मदन मोहन अग्रवाल से सम्मान प्राप्त हुआ है। अगले तो आपको अनेक संस्थाओं से सम्मानित किया गया है। प्रांत की एक महत्वपूर्ण संस्था राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान की आप संस्थापक अध्यक्ष हैं, श्रीमती नलिनी उपाध्याय जयपुर। अब मैं आवाज दे रहा हूँ, आवाज आया है। आप हिंदी क्रिकेट कमेंट्री के पर्याय माने जाते हैं, उत्कृष्ट साहित्य लेखन और हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री को एक जागरूक साहित्य। आपकी 5 महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां प्रकाशित है। आपने शिक्षा प्रवृत्ति और पद्धति में नए प्रयोग किए हैं। इतिहास, पत्रकारिता, रंगकर, होम्योपैथी और अंक ज्योतिष जैसे अनुशासनों और विद्वानों में भी आपकी गहन रुचि और हस्तक्षेप है। श्री सुरेश मिश्रा जयपुर। प्रोफेसर भवानीलाल भारतीय जोधपुर, एक आदर्श शिक्षक, समाजसेवी, सुधारक के रूप में ख्याति प्राप्त प्रोफेसर भवानीलाल भारती का जन्म 1 मई 1928 को पर्वतसर जिला नागौर में हुआ। श्री भवानीलाल भारतीय एमए पीएचडी तक पढ़े हैं। आपने जीवन चरित्र 10 ग्रंथों की रचना की है। मुंशी माधवराम ग्रंथावली का आपने संपादन किया और उसकी व्याख्या भी की है। नवजागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती शोधपूर्ण जीवन चरित्र का लेखन भी आपने किया है। स्वामी श्रद्धानंद ग्रंथावली 9 खंडों में और लाला लाजपत राय ग्रंथावली 11 खंडों में आपने संपादन और अनुवाद का कार्य किया है। श्री भवानी लाल भारतीय जोधपुर। अब हम पुकार रहे हैं श्री रणवीर सहाय वर्मा साहब जयपुर को, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार और प्रतिष्ठित न्यायविद। श्री रणवीर सहाय वर्मा का जन्म 8 जनवरी 1933 को हुआ। आपने गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से बीए की परीक्षा प्राप्त की, तत्पश्चात गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई से एलएलबी की उपाधि प्राप्त की। राजस्थान न्यायिक सेवा में रहते हुए आपका साहित्यिक लेखन निरंतर चलता रहा। आपकी अनेक कविताएं नवयुग में निरंतर प्रकाशित होती रही हैं। हिंदी की उल्लेखनीय पत्रिका मधुमती आदि में आपकी कविताएं और आलेख प्रकाशित हुए हैं। आकाशवाणी से आपकी कविताओं का निरंतर प्रसारण होता रहता है। साहित्यिक और सामाजिक सेवाओं के साथ आपका प्रमुख क्षेत्र न्यायिक सेवा रहा है। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति, राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, इंडियन माइग्रेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल गुवाहाटी के अध्यक्ष और राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में आपका उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण कार्य रहा है। श्री रणवीर सहाय वर्मा जयपुर। श्री ब्रजेंद्र कौशिक कोटा। श्री ब्रजेंद्र कौशिक कोटा। सत्यम शिवम सुंदरम की सृष्टि को समर्पित श्री ब्रजेंद्र कौशिक का जन्म डी भरतपुर राजस्थान में 1 अगस्त 1935 को हुआ। आपने उच्च श्रेणी में अधिस्नातक उपाधि प्राप्त की। आपकी 10 प्रकाशित कृतियां हैं। आप देश प्रदेश की अनेक साहित्यिक संस्थाओं और सांगठनिक अभियानों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। विश्वविद्यालय स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी के मानक अनुवादों के साथ सांस्कृतिक अभियानों में भी आपकी सक्रिय भूमिका रही है। आप सभी महानुभावों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं।